अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ है स्पैगेटीज। तो इसके लिए जो अज़ा मुझे चाहिए उसमें है नमक आधे चम्मच, आधे चम्मच काली मिर्च, आधे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका स्प्रे सिरका, आधी प्याली ऑयल या घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टेबलस्पून इसमें हैं सोया सॉस के, 3 टेबलस्पून इसमें हैं चिल्ली सॉस के और आधी प्याली है केचप की, टमाटो केचप सादा, 1 प्याली इसमें जाएंगी गाजर, 1 प्याली इसमें जाएंगी बंद गोभी, 1 प्याली इसमें जाएंगी शिमला मिर्च और ये 1 टीस्पून इसमें जाएगी शुगर, आधा केजी इसमें है ये चिकन, 1 पैकेट स्पैगेटीज का है और 2 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा है सिरके के साथ और लीमू के साथ तकरीबन आधा से पौना घंटा। हाँ जी, 1 बर्तन में मैंने पानी को रखा है बॉयल होने के लिए, पानी तकरीबन बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और 1 पैकेट स्पैगेटी का, इसको तकरीबन हम 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे, 8 से 10 मिनट हम इसको कुक करेंगे। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ऑयल या घी जो भी आपको चाहिए हो। बस में हम घी ज़रा गर्म हो जाए तो हम इसमें सबसे पहले ज़रा गाजरों को कर लेंगे, थोड़ा सा नरम होने तक हम ज़रा इसको इसमें बना लेंगे। दो से तीन मिनट तक मैं इसको इसी में फ्राई करूंगी। दो तीन मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल देंगे, इसका कलर चेंज ना हो। इसी घी के अंदर अब हम चिकन को शामिल कर देंगे, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2-3 मिनट तक हम इसको इसी के साथ भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। 2-3 मिनट इसको इसी अदरक लहसुन के साथ हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, साथ हम देखते रहेंगे अपनी ये नूडल्स, ये देखें अभी इनको टाइम है, अभी थोड़ा सा इसको हम और कुक करेंगे। अब देखें इसमें घी ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हम इसमें मज़ीद इसको 2-3 मिनट भून के इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर हम मज़ीद इसमें 1 प्याली शामिल करेंगे पानी और उसके साथ इसको कुक करेंगे। अब हम इसको ढककर 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे, ये तकरीबन 7-8 मिनट के बाद कुक हो चुकी हैं। अब हम इसका पानी ड्रेन करके इसको ठंडे पानी के साथ करेंगे कि आपस में ये जुड़े ना, ये पानी हम इसमें से अब जो ठंडा पानी है उसको ड्रेन कर लेंगे इसमें ताकि ये आपस में जुड़े ना। ये देखें आप जो चिकन है वो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन सॉफ्ट हो चुका है, अंदर तक गल चुका है। तो अब हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बंद गोभी, बंद गोभी को हल्का सा इसके साथ कुक करेंगे, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, 1 प्याली शिमला मिर्च की और उसको भी हम इसके साथ ही हल्का सा
कुक करेंगे। ये एक चम्मच शुगर है इसमें, ये हम इसमें ऐड करेंगे। वो सब्जियों का कलर चेंज नहीं होने देगी, अच्छा खूबसूरत कलर नज़र आएगा सब्जियों का। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे सिरका और गाजरें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस और चिली सॉस इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हम सारी सब्जियां शामिल कर देंगे और सारी सब्जियों को इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसलिए कि फिर इनकी रंगत चेंज हो जाएगी और ये अच्छी नहीं लगेंगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे केचप की प्याली। केचप शामिल करने के साथ ही हम इसमें नूडल्स शामिल कर देंगे। हाँ जी, आप ये देखें, ये बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यमी यमी स्पैगेटी रेडी है। आउट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर, ऑप्शनल है अगर आपका हो तो आप इस पे चीज़ की ड्रेसिंग कर सकते हैं, इससे इसका मज़ा डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। चीज़ के साथ मैंने इसकी ड्रेसिंग की है और इसको मैंने माइक्रो ओवन में 3 मिनट के लिए गर्म किया। तो देखिए कितनी मज़े की यमी यमी स्पैगेटी खाने के लिए तैयार है।